मेरा सभी उत्तराखंड वासियों से अनुरोध है कि आज आपने माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने संपूर्ण देशवासियों से आग्रह किया कोरोना से कैसे बचा जा सकता है, उस संक्रमण से हम अपने परिवार को, अपने राज्य को, अपने देश को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, उसके बारे में विस्तार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज हमको बताया। और ये भी आग्रह किया कि आने वाले 21 दिन हम पूरी तरह अपने घरों में रहें अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। और इस अवसर पर अनेक लोगों ने मुझे ये कहा कि क्या कल से पूरी तरह लॉकडाउन हो जाएगा, मार्केट खुलेंगी या नहीं खुलेंगी, जो आवश्यक सेवाएं हैं वो आम नागरिक को उपलब्ध रहेंगी या नहीं रहेंगी। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि किसी तरह का संशय ना पालें। जैसे आज 23 मार्च और 24 मार्च को जिस तरह से हमारी आवश्यक सेवाओं की दुकानें खुली रही, मेडिकल सर्विसेज हमारी चालू रही, बच्चों के लिए दूध आदि की व्यवस्था, पशुओं का आहार और खाद्य सामग्री, ये सब कल भी खुला रहेगा, यानी 25 मार्च को भी यह सब खुला रहेगा। मैं आपसे बीच बीच में इसी तरह से संपर्क करता रहूंगा, आपको सूचित करता रहूंगा। आप किसी तरह से भयभीत न हो, किसी तरह से आप परेशान न हो। सरकार की कोशिश रहेगी कि आपकी जो दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं हैं वो आपको यथावत मिलती रहे। आप अपनी सरकार पर विश्वास करें। धन्यवाद।